सीजनल है ये, जो बाबा नगर ये सब वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, पूरे आके मेन रोड है, ये एक ही रोड है फलकनामा का मेन रोड, फारुख नगर डिपो से लेके ये हिम्मतपुरा तक है, हिम्मतपुरा मतलब शालीबंडा तक है, ये पूरे बंडे आप बेचने के बजाय पूरे रोडों पे आ जा रहे। और ये इलेक्शन का टाइम है, वीआईपीओ का मूवमेंट रहता, उनके कैनवासिंग रहते, कोई वीआईपी जाते रहते, हमारे ऑफिसर जाते रहते, उनको रोड क्लियरेंस होना हमारे को, ये क्या कर रहे हैं, एक के बजाय एक पूरा रोड कब्जा करके रख दे रहे। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे बंडियों को लेके आके, पुशकाटों को लेके आके, उन पर चालान करने के लिए लेके आए, ये हमारी ड्यूटी है। उनको हज़ार बार बोले, पहले बीच में रमज़ान था, चलो रमज़ान के टाइम पे क्यों डिस्टर्ब करना, ये पूरे बाहर से आए सोए, यहाँ के पुराने लोग पीछे रख ले रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, सब सामने आके पूरा रोड जाम कर दे रहे, लोगों को जाने दे दे रहे, और बहुत सारे कंप्लेंट्स भी है इनके ऊपर, साहब क्या साहब आप लोग बंडियाँ जमा कर रहे क्या, बोल के पब्लिक हमारे से पूछ रही, हम किसको जवाब देना, ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग भी उनके खिलाफ नहीं, लेकिन तरीके से बेचना, और ये जो भी नए बंडियाँ हैं वो अपने जहाँ पहले थे वहाँ चले जाना, ये हमारी वो है। और यहाँ के जितने भी कंप्लेंट्स दे रहे हैं उनके लिए हम लोग उनकी हेल्प भी चाहते हैं, हम लोग कि बंडियों वालों को भी ज़्यादा आप लोग एंकरेज नहीं करना, ये रोड एक ही मेन रोड है जो अच्छी है, उसको भी ये लोग कब्जा करें तो जाए फिर आप लोगों के लिए मुश्किल आती, पब्लिक वालों के लिए, ये आप लोगों के दरख्वास्त है कि आप लोग भी इनको समझें, इनको पीछे इनको यहाँ रोडों पर बेचने ना दें, इनको भी बोलिए कि आपके जितने भी गलियाँ वहाँ जाके बेचना, बहुत सारे लोग गलियों में जाके नहीं बेच रहे, खाली रोडों पर आके बेच रहे, ये अच्छी बात नहीं है। उनको भी बोलना चाहता हूँ, ये आपके पेट पे मारने का नहीं है, आप लोगों को वो करने का नहीं है, आपको तकलीफ देने का नहीं है, लेकिन जो आप पहले कहाँ भेजते थे वहाँ चले जाइए, जो पुराने बंडियाँ वो पीछे चले आते, वो जैसे थे वो लोग वैसे ही रहेंगे, आप आके पूरा रोड जाम करने का नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर चालान भी करेंगे, और आपको जो होता है वो कानून की तरफ से हम लोग वो भी इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।